अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। अग्नि को कौन चुराएगा ऐसा लगता ना, अग्नि को कौन चुराएगा। तो पहले जमाने में लोग चुराते थे, कैसे, किसी के घर में अग्नि मांगने जाओ तो बड़ी बेइज्जती होती थी। पहले जमाने में माचिस नहीं हुआ करती थी, तो घर में हमेशा जैसे भोजन बना दिया तो अंदर कंडा दबा देते ऊपर राख से, तो कंडा धीरे धीरे सुलगता रहता है। फिर 3-4 घंटे बाद दोबारा से जब भोजन बनाते तो उसी कंडे को तोड़ करके, मतलब जो जल जाता है तो उससे आग करते थे। तो 24 घंटे हर गृहस्थ के यहाँ आग, यदि आग बुझ जाए कहेंगे ये औरत जो है ये फूहड़ है, अक्कल की कमी है इसमें, आग कैसे बुझ गई। घर में गृहस्थ के कभी अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, ये पहले जमाने की बात। अब तो गैस के चूल्हे हैं, कब तक गैस चलाते रहोगे, सिलेंडर एक दिन में खत्म हो जाएगा। पहले चूल्हे हुआ करते थे, तो उसमें क्या करते, रोटी बनाने के बाद उसमें एक कंडा दबा देते थे उपला, और राख से ढक देते, धीरे धीरे अगरबत्ती की तरह सुलगता रहता है। तो 3 घंटे में पूरा जल करके अंगार बन जाता, तब तक 3 घंटे बाद अगले भोजन बनाने की बारी आ जाती थी। और यदि किसी के घर में अग्नि समाप्त होगी तो पड़ोसी के यहाँ लेने जाना तो बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। अब माचिस उन दिनों हुआ नहीं करती थी, तो अग्नि बंद नहीं होने देते थे, हर घर में अग्नि होती थी। तो फिर व्यक्ति क्या करता कि ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई घर में अग्नि, अब दूसरे के यहाँ मांगने जाओ। तो इस प्रकार पहले जमाने में अग्नि की भी लोग चोरी करते कि अपमान से बच जाएंगे और थोड़ा सा आग चुरा लेते। तो कहा कि अग्नि की चोरी करने वाला बगुले की योनि में जाता है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ होता है। चोरी करते हैं ना घरों में, ट्रंकों में से सूट साड़ियां चुरा ले जाते हैं, तो स्त्री के जो कपड़े चुरा लेता है किसी घर में घुसकर, तो उसको श्वेत कुष्ठ होता है, कोड़ी हो जाता है। और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि होती है। जो किसी के यहां खाद्य सामग्री पेय पदार्थ चुरा लेता है तो अगले जन्म में उसका लीवर खराब हो जाता है, खाने की रुचि खत्म हो जाती है, मंदाग्नि रोग हो जाता है। कांसे की चोरी करने वाला अगले जन्म में पहले नर्क भोगेगा फिर हंस बनेगा। दूसरे के धन का हरण करने वाला अपसमार रोग से ग्रस्त होगा। अपसमार रोग कहते हैं मृगी का दौरा पड़ेगा या मंद बुद्धि होगा जो धन की चोरी करता है। अगले जन्म में मोटे दिमाग वाला होगा, क्योंकि मोटे दिमाग वाले कभी पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि पढ़े लिखेंगे नहीं, कुछ हुनर उनके पास होगा नहीं, क्योंकि मोटे दिमाग का है। तो पैसा कमाएगा कैसे, उसको जीवन भर दूसरों का आश्रय लेना पड़ेगा। जो धन की चोरी करता है अगले जन्म में वो कमाने लायक नहीं रहता, उसकी मंद बुद्धि भगवान कर देता। ले बेटा, अब धन के लिए तरसता है, दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। तो धन की चोरी करने वाला अपसमार रोग से ग्रसित मृग का रोग तथा गुरुहंता क्रूर कर्मा अगले जन्म में नरक भोगने के बाद बोना पैदा होगा। गुरु हंता का मतलब होता है चाचा ताऊ पिता, बड़े जो होते हैं, गुरु का अर्थ होता है बड़े, रिश्ते में जो बड़े हैं, यदि उनको उनको हम मार दें, हत्या कर दें, तो इसका दंड पहले नरक, फिर 84 का चक्कर तो है ही, लेकिन जब भी वो मनुष्य बनेगा तो छोटे से कद का बनेगा, बोना। और धर्म पत्नी का प्रत्याग करने वाला शब्द बेदी होता है। जो अपनी पत्नी का प्रत्याग कर देता है, छोड़ करके सन्यासी बन गया, उसकी बात नहीं कह रहे, वो तो त्याग है, वो तो तपस्या है, वो अलग चीज है। लेकिन पत्नी समझ में नहीं आई, पत्नी से बनी नहीं, चलो तलाक ले लेते हैं। तो पत्नी से जो तलाक लेता है तो वो अगले जन्म में उसकी एक ऐसी गंदी आदत होगी, इधर की उधर, उधर की उधर करने वाला व्यक्ति बनेगा और सबसे अपमानित होगा। इतना उसको अपमान सहन करना पड़ेगा, निंदा चुगली की उसकी आदत होती। और
देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला और दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। पीलिया, लीवर खराब, किसका? जो ब्राह्मण के धन का हरण करे और भगवान के धन का हरण करे। भगवान का धन, देवताओं का धन मतलब मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया, कुछ मंदिर में लगा लिया, कुछ अपनी जेब में। कथा करने के लिए पैसा इकट्ठा किया, कुछ कथा में लगा दिया, कुछ अपनी जेब में। इसको कहते हैं देवताओं का धन, भगवान का धन, ऐसी ब्राह्मणों का धन। तो देवताओं का धन और ब्राह्मणों का धन लेने वाला और दूसरे का मांस खाने वाला वो पांडु रोगी होगा, पीलिया का रोग होगा। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न करने वाला अगले जन्म में गंडमाल नामक महारोग से, गले का रोग होगा उसको। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है, मतलब उधार लिया और समय पे दिया नहीं। किसने हमको कुछ समय के लिए कुछ सामान दिया और फिर हमने उसको लौटाया नहीं। किसी की अमानत में खयानत करने वाला अगले जन्म में क्या बनेगा? जब भी मनुष्य बनेगा, वैसे तो नरक जाएगा 84 के चक्कर में, लेकिन जब वो मनुष्य बनेगा तब बनेगा वो एक आंख वाला। जो स्त्री के बल पर ही संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा बनता है।